जिससे मेरी शादी हुई, मेरी जो वाइफ है वो भी बनी हुई है, खंडेल वाले, वो खंडेल वाले पता तुम्हें, राजस्थान साइड की होते हैं, राजस्थान के लोग बड़े अच्छे होते हैं, बहुत प्यार व्यार आदर वादर करते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं। इन सालों के गीत खत्म नहीं होते, गीत ही खत्म नहीं होते, लोक गीत जो होते हैं कुछ तो उन्होंने इतने सारे बना रखे हैं, कुछ कहीं भी किधर भी बना के शुरू, कहीं भी स्पॉन्टेनियस, ये लाइट बुझ जा भी, लाइट बुझको 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 लाइट बुझको बुझको बुझको, ये एक तो तीन चार निंजा आंटी रखते अपने पास गीत गाने वाली परमानेंट, जहां ये बुढ़िया ढोल की चम्मच दिखते शुरू, आगो 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 सामान सा आगो बन्नी को ले गो ले गो ले गो ले गो, साथ में छोटी असिस्टेंट और रहती, ले गो आगो आगो ले गो ले गो आगो आगो ले गो ले गो आगो। तो है वो खंडेलवाल, उसमें ना पूरा फुल परछाया पड़नी भाई खंडेलवालों को, क्योंकि उसके जो पापा हैं उनका ट्रांसफर हो गया था फॉरेन कंट्री में, तो उसके पापा उसको बचपन में फॉरेन कंट्री ले गए थे, उसे वहीं स्कूलिंग करी, फिर हिंदुस्तान वापस आई, मुझे कॉलेज में मिली थी, हमारे कॉलेज में फुल टूर में घूमती थी, वी आर एन आर आईज, लिबिया रहती थी, एक कंट्री नॉर्थ अफ्रीका में, ये चावड़ी वाले भैया भाई लिबिया से अच्छा तो गाजियाबाद रखा आजकल, मैंने कहा तू तो मत ही झाड़ कर अपनी NRI, तू बस कुछ साल पहले इंडिया वापस आ गई इसलिए बच गई, वरना वहां का गद्दाफी तेरे को तोप सोड़ा चुका होता। खंडेलवाल उड़गो 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 खंडेलवाल उड़गो उड़गो उड़गो। उसे बना लेता अपना गाना। तो आगे क्या हुआ, फिर फाइनली वो कॉलेज में मिली मेरे को, ठीक है कॉलेज पूरा हुआ, मेरी जॉब वॉब लगी, थोड़ा पैसे वैसे कमाए मैंने, लड़कों में तभी कॉन्फिडेंस आता है अपनी माँ को कन्फ्रंट करने का कि एक लड़की देख रखी है ना, दोपहर का टाइम पकड़ते जाता है लड़के, मम्मी कुक कर रही होती हैं, लड़के अपनी स्लैब पर टिका के, मम्मी वो एक लड़की देख रखी है, ये मत करना मेरे से हो गया था ये, मेरी मम्मी पूरी तल रही थी स्लो स्लो, मैं बैठा, मैंने कहा मम्मी वो एक लड़की देख रखी है, मेरी माँ को तो हाथ ही रुक गया, उनका परवरिश से विश्वास ही उठ गया, इस मोटे से भी पट गई, तेरी कौन है लड़की, मैंने कहा मम्मी बनिया बनिया। तो और स्पीड तेज हो गई भाई साहब, उसके बाद कुछ नहीं पूछा लड़की की कैसी पर्सनैलिटी क्या नेचर है, कुछ नहीं, फिर मिलवाओ भाई साहब से, मैं कौन से भाई साहब, कह रही उसके पापा, मैंने कहा मम्मी अभी नहीं शादी करनी, अभी सिर्फ बताया कि देख रखी है, कह रही नहीं नहीं बेटे अब नहीं घूमने दूंगी तेरे को उसके साथ, किसी की बहन बेटी के साथ हम कहते खिलवाड़ करें, हमारे घर में ही बहन बेटी है, किसी की बच्ची के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, अब तो कम से कम रोका होगा, उसके बाद ही तो उसे छू सकता है घूम सकता है, हम नहीं करने देंगे खिलवाड़ खिलवाड़, इनको लग रहा है खिलवाड़ हुआ ही नहीं अभी तक। इनको लग रहा है ये मेरा लल्लू बच्चा जिसको मैं जीरे वाला आलू खिलाती आ रही हूं सुबह से, इसे जीवन में कुछ देखा ही नहीं है, इन्हें कौन बताए कि अब मेरे पंजाबी दोस्त बन चुके हैं। जिन्होंने मुझे ओयो का रास्ता बता दिया है। तो कह रही ठीक है बेटा ये खिलवाड़ वाली बात तुम उनकी अपनी उसको बताओ गर्लफ्रेंड को, वो अपने पापा को बताएगी, उसके पापा समझ जाएंगे। और भाई साहब उसने अपने पापा को बताया, उसके पापा सही में समझ गए। खिलवाड़ तो हम भी अपनी बच्ची का नहीं करके मिलवाओ बहन जी से। तो फाइनली उसकी फैमिली और मेरी फैमिली मिली रिश्ता तय करने के लिए, और भाई साहब हमारे में जिस दिन रिश्ता तय हो रहा था, लड़के और लड़की वाले मिलते हैं सब खुश, कलेशी से कलेशी इंसान हंस रहा है, सब खुश, पॉजिटिव वाइब्स ऑल ओवर, हाँ किसी को किसी चीज का बुरा ही नहीं लग रहा है। और मैं देख रहा हूँ जो उसकी फैमिली में रखा वो अपने आप मेरी फैमिली में हो रहा है। आपकी बोझी को पाल से बताओ, हमारे फूफा जी को पाल से बताओ भाई साहब, संजोग संजोग भाई साहब ऐसे होते संजोग, आपका बाईपास हमारा भी बाईपास है बताओ। आपकी चाची को भी मात आती है, हमारी चाची को भी। आपकी चाची क्लॉकवाइज सर घुमाती है, हमारी एंटी क्लॉकवाइज, पूरा सर्कल कंप्लीट। ऐसे होते संजोग, जबरदस्ती का खूब संजोग संजोग हो रहा है। उतने में मेरी सास ने पॉइंट की बात करी, कह रही बहन जी आप किस तरह की शादी एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो मेरी मम्मी ने वही कोड वर्ड ठूस दिया जो हमारे में होता है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसी शादी जिससे दोनों घरों की शोभा बनी रहे।
शोभा का मतलब पता ना, फार्म हाउस पे शादी लंबी गाड़ी। मेरी सास ने फटाफट से लिख लिया डायरी में, कह रही हाँ वो तो हो जाएगा बहन जी, कोई दिक्कत नहीं, सब हो रहा है। फिर मेरी सास ने एक डिस्क्लेमर दिया मेरी माँ को कि बहन जी आपको कुछ बातें शादी से पहले बता दे तो बेटर है। जो हमारी लड़की है ना फ्रॉम लिबिया, हमारी बिटिया फ्रॉम लिबिया, इसको खाना बनाना नहीं आता। मेरी माँ ने सांस ली तो सही, जोड़ी नहीं बीच में टके क्या है, बट शादी में शोभा बनने की बातें हो रही थी। मेरी मम्मी फेक मॉडल बनकर दिखा रही मेरी सास के आगे, बहन जी क्या बात कर दिया आपने, खाना नहीं आता बताओ, ये कोई टाइम है इसे बात करने का? मैंने पूछा आपसे बच्ची को खाना आता नहीं आता है, दो परिवार मिल रहे हैं, संजोग का टाइम है, पितर बैठे हैं ऊपर, आप ये किचन ले आए बीच में, बिटिया को खाना आता नहीं आता। आपने इतनी बड़ी बात बोल दी बहन जी, मैं आपको सही में बताऊं हमारे घर में तो ज्यादा खाना बनता ही नहीं है, डाइट ही नहीं बच्ची हम लोगों की तो। मैं आधी रोटी खाती हूँ, गौरव के पापा एक रोटी, और गौरव तो हवा पे जिंदा रहता है, कुछ काम ही नहीं है बहन जी घर में, कुछ काम ही नहीं है। मैं आपको सही में बताऊं, मैंने कहा काम नहीं है, हमें तो पूरी जिंदगी यही बोल बोल के पालते हैं कि मैं मर भी जाऊं ना कुत्तों, दो जन्म भी ले लूं, तभी भी इस घर का काम पूरा ना हो। इनका बहुत बुरा कटेगा, इनको नहीं पता मेरे घर में काम के कलेश है सारे, छोटे छोटे कामों के कलेश है, कि पापा का कच्चा किसने सुखाया था, चिमटी पूरी अंदर तक गड़ाने थी ऊपर ऊपर रखी उड़ गया, दो दो घंटे कलेश चल रहे हैं उस चक्कर में, नाश्ता नहीं बन रहा, इनको नहीं पता भाई शोभा बढ़ने के चक्कर में कुछ भी बोले जा रही है। किसी काम ही नहीं है। और मेरी सास को भी लगा कि ये कुछ ज्यादा ही नहीं समझ में आ रहा, तो मैं सारी सास कह रही कि बहन जी मैं आपके इमोशन समझ रही, बट हमारा तो फर्ज है बता देना, हम भी अपनी लड़की को जानते हैं। मैं आपको सही में बताऊं कुछ भी नहीं आता है, जो भी आप सोच रहे हो नील बटा सन्नाटे, इसको तो हर चीज में मेट चाहिए हमारी बिटिया को, इसको तो इतनी मेट की आदत है, जब ये बचपन में घर घर खेलती थी ना तो भी अपनी फ्रेंड को अलग से मेड बनाती थी। इसकी फ्रेंड का नाम रिया था, इसे सुनीता रख दिया था। वो बेचारी छोटी सी बच्ची हमारे घर पे आती थी, पेप्सी मांगती थी, उसको नीचे बिठा के कटोरी में देती थी, अब पियो। सारे दिन पर उस बच्ची से काम करवाती रहती थी मेड बना के, कि तुम बार्बी डॉल को नहलाना, तुम सारे टॉय समेट के रखना, तुम प्ले रूम में झाड़ू लगाना। तब मेरी मम्मी की दुख दुख शुरू हुई, कोई तो कांडी भगवा रही है, इसके हाथ का नसीब नहीं होने का लग रहा है। तो प्रोटेक्शन के लिए मेरी माँ ने एक डिस्क्लेमर मेरी सास को दी थी कि बहन जी कोई दिक्कत नहीं, जितनी हेल्प करा देगी किचन में हेल्प, इससे ज्यादा मिसलीडिंग वर्ड पैदा नहीं हुआ इस घर में, पूरे देश में मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई अभी तक? कोई है यहाँ पर? हाँ, क्या नाम है मैम आपका? हाँ कनिका, लाडो जब भी शादी हो और वुड भी सास बोले कि कनिका को खाना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं हेल्प करा देगी, तुम्हारे लंबे वाला काट रही है, तुम्हें किचन में इंटर्न रख रही है वो औरत, और इंटर्न से सबसे ज्यादा काम कराया जाता है, ये बोल बोल के ये तो सीख रहा है, उसकी शिफ्ट कभी पूरी नहीं होती, और मेरी बीवी को पता नहीं कि उसका कट रहा है, वो तो इस वर्ड पर पागल ही हो गई। अरे क्या बोला मम्मी जी ने, हेल्प, वाओ क्या कॉपरेटिव सास मिली मुझे, हम लोग टीम वर्क करेंगे किचन में, टीम वर्क। मेरी बीवी तो पागल हो गई मेरी माँ के लिए, शादी के बाद घुसी जा रही मेरी माँ के अंदर, मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी, और मेरी माँ ने धर लिया, आओ बेटे लेट्स मीट द रियल मम्मी जी। हेल्प का दिन आ गया, दाल बनी में झोंका तुम लगाओ, डू सम हेल्प। और ये भी पगली तैयार, हाँ जी मम्मी जी करती हूँ, करछी लेके तैयार, इसने घी डाला जीरा डाला, जैसे ही लाल मिर्च डाली है ऐसी आग की लपटें निकली है, हमारी पीओपी जला गई पूरी की पूरी, यहां मेरे पापा खड़े हुए, शिट माय होल वर्क इज डिस्ट्रॉयड, ऐसे धुएं के बादल बने जो लास्ट मैंने हिरोशिमा नागासाकी का अटैक में देखे थे, ऐसा फटके विस्फोट हुआ, मेरी मम्मी की फटली बिल्कुल ही नहीं आता क्या। बस बेटा हो गई, हेल्प हो गई, मती मारी गई थी मेरी जो हेल्प मांग लिया। अरे गौरव इसे तो बिल्कुल ही नहीं आता, बहन जी से कह रही थी मेरी आग लगी हुई थी, हेल्प करा लूँ इससे। अरे घर में लाशें लाशें नाचेंगी बेटा, हर कोने में मौत नाचेगी, ये छोके के चक्कर में बन गई दाल, लग गया छोका,
जोमेटो स्वैगी जिससे करता करते बाहर से ऑर्डर करते, मैं तो आधी रोटी खा के सो जाऊंगी वरना एक आशिका का समझ के सो जाऊंगी। गैस बुझा तो लग गया, छोका बन गया दाल, कलेश की आंखों खत्म कर दो, मोती मौत नच गई, इस कलेश को यहीं की यहीं खत्म कर दो बेटा, सब जिंदा रहेंगे, दाल बनती लगी छोका। इन दिस वेरी मोमेंट घर में कलेश का बीज बो चुका है, मुझे दिख रहा है एक बड़ा सा बीज जिसपे लिखा कलेश, वो आया और मेरे घर की नींव में गड़ गया, खाने का कलेश जो मिटाया नहीं मिटता भाई साहब, और पिस्ते लड़के ही इधर से बीवी मारती इधर से माँ मारती, और इससे पहले मैं पिस्ता, मैंने अपनी माँ को एक ऑप्शन दिया, मैंने कहा मम्मी कुक रख लेते, कुक रख लेते, मैंने कहा मम्मी कुक बनाएगी खाना, तुम भी ऐश करना, बीवी भी ऐश करेगी, हाँ बेटा सब ऐश करो, पूरा घर चद्दर थान के सोचो, सारा पैसा मेटो में लुटा दो, खत्म कर दो घर को, आग लगा दो बेटा, घर पतन की तरफ निकल जाएगा, मेटो में लुटा दो सारा का सारा, खाने के लिए दो, नहाने धोने हंगने के लिए सबके लिए आग लगा दो मेटो पे, कल को बच्चा करना आया कर देना कोई दिक्कत नहीं, हमें पालने के लिए भी मेड लगा देना, मेड ही मेड ना चाहो इस पूरे घर में बेटे, पता नहीं खाने की भी मेड लगा रहे, कितने लोग हैं इस घर में खाना खाने वाले, चार ही तो लोग हैं, कितना खाना बनना है, एक तेरे पापा का खाना बनना, मैं बना लूंगी, मुझे पता अपने पति का पेट कैसे पालना, इतने साल पाला और भी पाल लूंगी, हमारे पापा जी ने शुरू से सिखाया, इन बूढ़ी हड्डियों में जान है अपने पति का पेट भरने के लिए, अब बचा सिर्फ तू, तेरी औरत तेरा भी खाना नहीं बना सकती क्या, उसके लिए भी मेटे लगेंगी, नहीं मान के तेरी भाई, मैंने पूरा कन्विंस करने की कोशिश करा, मेरी मम्मी कुछ भी बोले रही, कह रही बेटा मेड वेट कुछ बना के निहाल नहीं करती, ये पता नहीं नहाती नहीं नहाती, धोती नहीं धोती, हाइजीनिक रहती नहीं, कैसे अनाज में हाथ डलवा लूं, मैंने कहा कहाँ डलवाओगी फिर, डालेगा तभी तो रोटी बनेगी, और ये क्या हाइजीनिक हाइजीन कर रखा है, गोलगप्पे वाला चाट चाट के खाती हो कि भैया ग्लव्स उतार लो, पहले वाला टेस्ट नहीं आ रहा, मेरे सामने उससे ये करा, कह रही भैया आपके हाथ के सूजी के मजा आ रहा था, हम तो गाड़ी लेके आते हैं लगते पुरानी दिल्ली में खाने, ये बहुत हाइजीनिक है, और ये मम्मी उसकी हाइजीनिक जज कर रही है, खुद की हाइजीन देखी तुमने, मम्मी की जिस दिन कुक कर रही होंगी, पकौड़े बने हो जिस दिन बेसन खत्म हो जाए और तुम बोलते मम्मी थोड़े और पकौड़े, हाँ बेटा बिल्कुल है, नया बेसन नहीं खोलेंगी, सबसे करारी पकौड़ी इसी की बनती है, खमीर उठ गया बेसन में, ये बहुत हाइजीनिक, अंगूठी कड़ा सब्र करती हुई, ये बहुत है जिनके, नहीं मान के तेरी भाई मेरी माँ कितनी मिलकर, तो मैंने हार नहीं मानी, मैंने अपनी माँ को थोड़ा और कन्विंस किया, मैंने मम्मी एक काम करते तुम्हारी एंग्जाइटी सॉल्व करते, जो हमारे पड़ोसी पंजाबी उनके लगी हुई मेट है ना, कितने सालों से लगी हुई कलेश हुआ, कह रही नहीं, मैंने कहा जो संधि है ना उसको लगा रहा हूँ मैं 5 दिन के लिए ट्रायल बेसिस पे, वो सिर्फ खाना बना के दिखाएगी 5 दिन, पैसे नहीं लेगी, पसंद आती तो रखना वरना छोड़ देना, कह रही पैसे नहीं लेगी, मैंने कहा मम्मी नहीं लेगी, देख ले बाद में मुँह फाड़ गई, मैंने नहीं पाड़ेगी मम्मी, रख लिया मैंने संध्या को, मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती, मेरी बीवी सुबह सो के उठी, दीदी 10:30 बजे सो के उठती हो, मेरी बीवी ने बोला चल चाय बना दे, दीदी चाय भी नहीं सीखी क्या मायके से, और मेरी मम्मी तो जो खुश हुई कि वाओ माय सेवियर इज हियर, कितनी सैलरी संध्या की 3,000, 6,000 मैं दूंगी भाई, वो जब जब मेड मेरी बीवी को टोंट मारे मेरी माँ जो हंसे, वो मेड की बच्ची मेरी बीवी को बोलती दीदी आप पपीता तो काटी लेती होंगी, जहां मेरी मम्मी कोई तो सच बोलेगा ही, और मेरी बीवी ने वीडियो बना ली जूम करके मेरी माँ के हंसते हुए, मैं ऑफिस से कह रही देखो तुम्हारी माँ की हंसी, जब जब ये मेड मेरी माँ हंसती है तुम्हारी माँ हंसती है, मैं और कुछ मम्मी जी मना करा था देखो, अब पता चल गया क्यों करा था, कह रही कुछ इलाज करो, अब तो मैंने कहा क्या करना तू बता, कह रही मेड को निकालो सबसे पहले तो, ये मेरी दूसरी सास बन के आ गई है, मैं निकाल दी मेड, मैं तो भाई जहां था वहीं आ गया, नहीं तो जिंदगी में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, मम्मी हो चुकी बूढ़ी, बीवी की हेल्प तुमने देख ली, मेड गई है भाग, अब मम्मी को बनाना पड़ता खाना, भाई साहब मैंने जो बुड़बुड़ वाली रोटियां खाई हैं उस टाइम पे, बुड़बुड़ वाली रोटी पता है
उसमें होती है भर के फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन। देखा मम्मी को दोपहर में रोटी बना रही, साथ में बुलबुल करती रहेंगी, पहले बड़ों का खाओ फिर इनका खाओ, फिर पूरी जिंदगी ऐसी मत जाओ, कोई 5 बजे खा रहा है, कोई 8 बजे खा रहा है, कोई घी खा रहा है, तो बिना घी के खा रहा है, हमारे दुकान में कभी हुआ है खाले कुत्ते। बर्तन ही बर्तन बज रहे होते उस दिन, वो रोटी हलक के नीचे नहीं उतरती। और भाई करे यार, यहाँ अकेली मम्मी को बनाना पड़ता खाना, है ना, बड़ा पापा जी ने सिखाया था, अब बेचारी मम्मी कर रही है, उनकी भी गलती नहीं है, जब बूढ़ा आदमी इतना किचन में काम करेगा कुछ ना कुछ भूल जाएगा। मेरी मम्मी क्या बोल रही है, गैस खुली छोड़ के भूल रही है, आए दिन गैस खुली छूट रही है। मेरी बीवी ने टोक दिया, मम्मी जी अब मरवाओगे क्या, मम्मी जब मरवाओगे क्या। और मेरी माँ ने तो जो घूम के जवाब दिया है, गैस भी उसी से खुली छूटे ना, तो गैस पे काम करेगा कम से कम। तुम भी तो गैस पे काम करने वाली बनो, हम बुझाने वाले बने।